Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, last video में बनाया था blogging versus YouTube पर. इस video में बात करेंगे कि what is blogging और मैं आपको बताऊंगा ये blogging ने जो ऐसा चीज़ है ना, इसने मेरे को नौकरी छोड़वा दिया 4 साल पहले. मतलब मैंने अपना full time job छोड़ पाया और online work from home कर पाया only because of this. इसको मैंने शुरू किया था 11 साल पहले इसके वजह से. अगर आप अर्निंग की बात करेंगे, जितना मैं कमा रहा था, अभी अगर कंपेरिजन करूंगा जितना मैं एक साल में कमा रहा था उतने में एक महीने में उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ आप, तो काफ़ी ज़्यादा, राइट. सो माय डियर, ये बहुत पावरफुल है. तो आज का डिस्कशन बिल्कुल फुल्ली एक्सपीरियंस पर होगा, कहीं सुनी बातें नहीं होंगे और मैं आपको बताऊँगा इसमें कौन सक्सेस गेन करता है और कौन फेल होता है, वो भी आपको बताऊंगा. बिकॉज दोनों चीज़ मैंने देखा है बहुत से बंदों को देख के, और प्लस आपको बताऊंगा ये है क्या चीज़. अगर आपको पहले कभी नहीं सुने हो आप कभी इसके बारे में कि है क्या चीज़, भाई बताओ पहले, तब भी आपको समझ में आ जाएगा. पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करें क्या, व्हाट इज़ दिस, ये ब्लॉगिंग है क्या, इसके पहले हम बात करेंगे ब्लॉगिंग है क्या. भाई साहब, ये कंसेप्ट लगभग हीट हुआ इंडिया में 2012 और 13 में. 2008 और 2009 में मैं इसको शुरू किया था और मेरा पहला अर्निंग ब्लॉगिंग से था $20. बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है बट उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने क्या करा उससे ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको. सो क्या होता है ब्लॉगिंग, बेसिकली आपका एक ऑनलाइन यूनिक डोमेन नेम होता है, राइट. डोमेन नेम होता है यूनिक, राइट. डोमेन नेम बताऊंगा मैं, डोमेन नेम होता है यूनिक, राइट. जैसे एग्जांपल google.com, मान लो आपने एक डोमेन नेम परचेस करा, ठीक है. डोमेन नेम होता है आपका यूनिक. जैसे मेरे हैं बहुत सारे, जैसे commonquery.com मेरा एक है. उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो नॉलेज है, वो शेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ www पर, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर, मतलब इंटरनेट पर शेयर करते हो. लोग सर्च करते हैं सोशल मीडिया पर, लोग कोई सर्च नहीं करते सोशल मीडिया पर, क्या होता है ऑटोमेटिक आता है. लोग गूगल पर सर्च करते हैं, आप जो शेयर करते हो आपके ब्लॉग पर, आपके ब्लॉग पर वो क्या करता है, सर्च इंजन में रैंक करता है. 1, 2, 3, 4 आप देखे होंगे, लोग उसको पढ़ते हैं, आपके ब्लॉग में लोग आएंगे, लोग पढ़ेंगे और आपके ब्लॉग से आप पैसे कमाएंगे. किससे, एड्स के जरिए, स्पॉन्सर्ड के जरिए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, स्पॉन्सर ऐड के जरिए, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, और अपना प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमा सकते हो, राइट. सो ये बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग होता है. और ब्लॉग को करता जो है सो क्या, करने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, हम ब्लॉगिंग बोलते हैं, राइट. ये ब्लॉगिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा है. अब शुरू करते हैं गाइस, क्या रिक्वायरमेंट होता है ब्लॉग को शुरू करने के लिए. देखिए, अगर आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है तो आपको हॉस्टिंग चाहिए, राइट. उसके बाद एक डोमेन चाहिए, राइट, और थीम चाहिए, राइट. दीज आर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली. भाई साहब, अगर प्रोफेशनल ब्लॉग्स आपको बनाना है तो आपको ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए होता है आपके पास, हॉस्टिंग, डोमेन, एंड आपके पास क्या चाहिए, थीम चाहिए. लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, यू जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट, अगर ये चीज़ें आप करते हो परचेज, तो कम से कम आपका 12,000 से 15,000 खर्चा है. मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. सो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए भैया, यू जस्ट नीड टू गो टू माई डियर blogger.com. ये गूगल का ही फिलहाल है, उस पर एक ब्लॉग बनाओ. बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, राइट. थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट है बना लेंगे, उसके बाद डोमेन नेम परचेज कर लो, बाय डोमेन नेम माई डियर, और उसके अपने ब्लॉग से कनेक्ट करवा दो, राइट. उससे आप कर सकते हैं क्या, पैसे कमा सकते हो. कितना पैसा आपको बता देता हूँ, मेरे अभी भी 1-2 ब्लॉग ब्लॉगर पर है, बाकी सारे कहाँ पर है, ऐसे है, हॉस्टिंग, डोमेन और थीम पर है. लगभग मेरे पास 15 ब्लॉग्स हैं फिलहाल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पर. से जो blogger.com और डोमेन नेम के साथ है, कितना अर्निंग होता है उसका प्रूफ
के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, उसमें मैंने पेमेंट प्रूफ कुछ दे दिया है, लगभग 20-22 लाख रुपए का पेमेंट प्रूफ है। उस आर्टिकल को मैं फर्स्ट कमेंट में और आपका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको आप देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो कितना अर्निंग हो सकता है। वो भी किसमें भैया, करेंसी किससे, इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात करूंगा US डॉलर की बात कर रहा हूँ उसमें, राइट, यू कैन चेक दैट, राइट। तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, यू कैन गो फॉर दैट। नाउ गाइस बात करते हैं, आप क्या करिए, ये लेके आप शुरू कर सकते हैं ब्लॉगिंग। बट ये तो आपका ब्लॉग बना, ब्लॉग लाखों हैं, पूरे लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन सारे के ब्लॉग नहीं चलते हैं। ब्लॉग चलाने के लिए क्या चाहिए, कुछ इन्ग्रेडियंट चाहिए होता है, और वो खरीदना नहीं होता है, वो कोर्स ले सकते हैं आप, लेकिन आपके आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए तभी आपका ब्लॉग चलेगा, राइट। तो क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर मैं बात करूंगा पैसा कैसे आएगा, हाउ यू कैन एबल टू मेक मनी, राइट, ऑल्सो ये आपको पता लगेगा, राइट। देखिए पहला भाई साहब ब्लॉग आपने बना दिया, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉपिक चूज करना है कि मुझे इस टॉपिक पर क्या करना है, बातें करने हैं, अपने ब्लॉग पर लिखना है, टॉपिक चूज करना आना चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के बारे में, कीवर्ड रिसर्च प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर टू गेट सक्सेस इन ब्लॉगिंग। अगर आप कीवर्ड रिसर्च सही से सीख जाते हो और उसको सही से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो ब्लॉगिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई भी दुनिया में बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल भी दूंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट मैं क्या कर दिया, आपका टॉपिक कर दिया और उसका कीवर्ड रिसर्च बता दिया आपको, राइट। नेक्स्ट आपको एसईओ होना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू डू एसईओ माय डियर। एसईओ मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए, अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, हवा हवाई नहीं, इंप्लीमेंट करना होगा आपको, तभी काम बनेगा। एसईओ होना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट कंटेंट, बिकॉज विदाउट नोइंग कंटेंट राइटिंग आप कमाल का रिजल्ट नहीं देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कंटेंट कैसे लिखना है, एसईओ प्लस कंटेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो क्या बोला, टॉपिक, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ प्लस कंटेंट, प्लस नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रोमोशन, प्रोमोशन कैसे किया जाएगा, मतलब आपके जो आर्टिकल्स होंगे उसको आप प्रोमोट कैसे करेंगे, लोग आपके आर्टिकल कैसे शेयर करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल आप लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं ना, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे आर्टिकल्स, वो पता है कैसे होता है, वो साइकोलॉजी से हम खेलते हैं हमारे साथ, कोई गलत सही नहीं बोलूँगा मैं, एवरीथिंग क्या होता है, साइकोलॉजिकली मोटिवेट होता है। कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है तभी शेयर करते हो। तो ब्लॉगर्स या फिर जो ओनर्स होते हैं या फिर जो राइटर्स होते हैं, वैसे आपके टाइटल रखते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप शेयर करें, आपने शेयर करा वो पैसे कमाएंगे, बिकॉज पीपल विल कम टू देयर ब्लॉग एंड उससे उनका इनकम होगा। सिमिलर चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, कीवर्ड रिसर्च और प्रोमोशनल स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए, और प्रोमोशनल स्ट्रेटजी जानने के लिए क्या करना होगा, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, जितने बड़े कंपनी चलते हैं, हमेशा वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। जितना सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, वो इतना अच्छा सेल्समैन या मार्केटिंग या मोटिवेशनल स्पीकर बन नहीं सकता है जब तक वो ह्यूमन साइकोलॉजी में मास्टरी गेन ना कर ले। मास्टरी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई करना पड़ेगा, ये क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, टाइम के साथ साथ ये चीज़ आता है जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके आपके ब्लॉग पर क्या है, ट्रैफिक आ गया, मतलब क्या है, लोग आ जाएंगे आपके ब्लॉग पर और आपके ब्लॉग लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। आफ्टर देन आप क्या करेंगे भैया, पैसा कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लोग फेल क्यों होते हैं ब्लॉगिंग में। सक्सेस गेन करने का तरीका आपको बता दिया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर व्हाई पीपल फेल इन ब्लॉगिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता नहीं लोग फेल क्यों होते हैं, आप क्या पता आप वही रास्ते अपना रहे हो, राइट। तो मैंने इस 10-11 साल में बहुतों को देखा आते हुए, बहुत सारे ढिंडोरा पेट के आते हैं और ढिंडोरा पेट के निकल भी जाते हैं, और ये 11 साल में बहुतों को देखा और बहुत कम को देखा जो कंसिस्टेंटली अब भी कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, आई नो देम, राइट। तो गाइस अब बात करते हैं लोग फेल क्यों होते हैं। पहला, लोग एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं
सिर्फ सिर्फ सुनते इधर खराब लगेगा बहुतों को, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, सच यही है। सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं, राम भरोसे रिजल्ट का वेट करते हैं। भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना होगा, रेस्ट ऑन गॉड, पीपल, जो भी है, जो भी आप बिलीव करते हो। मुझे नहीं पता आप क्या बिलीव करते हो, मैं तो भाई साहब बिलीव करता हूँ मेरा एफर्ट पर। मुझे पता है मैं एफर्ट डालूंगा, लक भी, भगवान भी, सब मेरे साथ देगा। मुझे पता है अगर मैं एफर्ट नहीं लूंगा तो कोई मेरे साथ नहीं देने वाला है, वो भी मुझे पता है, बिकॉज 11 साल से मैं ही देख रहा हूँ ना। राइट, तो क्या है, एफर्ट आपको डालना होगा और रिजल्ट फिर ऑटोमेटिक आएगा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, होता है, इट हैपेंड्स माय डियर। मैंने देखा है अपने लाइफ में भी और बहुतों के लाइफ में भी देखा है। राइट, आई हैव सीन दिस माय डियर। राइट, सो एफर्ट आपको डालना होगा, लेकिन खाली एफर्ट डालने से नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना होगा राइट प्लेस पर। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे बंदे ब्लॉगिंग को लेके गलतफहमी पाल के रखते हैं कि ब्लॉगिंग से हम करोड़पति कल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम माय डियर, इसको टाइम लगता है सीखने के लिए और इसमें रिजल्ट पाने के लिए। इट टेक्स टाइम लगता है, बट इसमें एक बेनिफिट ये बता दिया आपको क्यों फेल होते हैं लोग, सीखते नहीं है लोग, एफर्ट नहीं डालते हैं, सिर्फ रिजल्ट का वेट करते हैं, और ये टाइम लगता है, लोग इतना पेशेंस के साथ काम नहीं करते हैं। आपको अगर ब्लॉगिंग में सक्सेस गेन करना है, सिर्फ एक मंत्र आप ले लो, आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, राइट, 6 मंथ्स तक, दो मंत्र बताऊंगा, एक नहीं, क्या करिए, 1 आवर आप ब्लॉगिंग करिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। किसी एक बंदे से आप बात करो जिसको आता है, जो आपको सिखा सकता है स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज इसमें भी कंपटीशन, ऐसा नहीं कंपटीशन नहीं है, इसमें भी कंपटीशन है। तो डेफिनेटली आप 6 महीने तक सिर्फ 1 घंटा काम करो, कमाल हो जाएगा। राइट, और इसमें और एक रूल है, अगर आप कंटेंट लिखने के लिए 3 आवर्स देते हो, ये मेरा रूल है, 3 आवर्स देते हो, उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए 7 आवर्स दो। अगर आप 3 घंटा कंटेंट देने के लिए टाइम देते हो, तो 7 घंटा आपको देना होगा उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपके कंटेंट में क्या फायदा। पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड द आर्टिकल, आप पैसे कैसे कमाओगे यार। राइट, तो ये आपका बता दिया मैंने क्या करना है, 2 टिप्स आपको देने वाला था और 1 टिप्स दूंगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर पर डे, दिस दैट इज व्हाट नेक्स्ट टिप्स, जो मोनेटाइजेशन मतलब पैसे कमाने का तरीका होता है, लोग सोचते हैं हम क्या करेंगे अपने ब्लॉग पर एड्स डालेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, ना भाई ना। मैंने एड से पैसा कमाया हुआ है अब तक लगभग 25,000-30,000 डॉलर्स मैं अब तक कमाया हुआ है, मतलब 15 लाख के आसपास मैं कमाया हूँ अब तक गूगल एड्स और अदर एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क से। लेकिन माय डियर लेट मी टेल यू, आप एड से इतना पैसा कभी भी नहीं कमा सकते हो। राइट, बिकॉज मैं अपने लगभग किसी भी ब्लॉग पे, जो ब्लॉग मैंने सार्वजनिक कर रखा है, मतलब लोगों को पता है कि मेरा ब्लॉग है, दूसरे ब्लॉग नहीं बताता बिकॉज वो मेरे सुपर नीच ब्लॉग हैं, वो बता नहीं सकता, तो उन ब्लॉग्स पर एड्स में नहीं डालता हूँ। अब मैं पैसे कहाँ से कमाता हूँ भाई साहब, रियल इनकम सिर्फ 3 जगह है और तीनों से मैं पैसे कमाता हूँ। पहला स्पॉन्सर्ड से पैसे कमा सकते हो, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे YouTube पर मेरे पास बहुत से स्पॉन्सर आते हैं, सर आप हमारे इंस्टीट्यूट के हमारे बता दो, हमारे कोचिंग करके बता दो, हम आपको 20,000 देंगे, 15,000 देंगे, 12,000 देंगे एक वीडियो का, एक वीडियो बनाओ 10 मिनट का, 15-20-30,000 कमा लो। और ये स्टार्टिंग है मेरे भाई, 40-50,000 ही मिलते हैं। राइट, आप जो देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, हालांकि इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, बोलते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है उसको डाउनलोड कर लो। राइट, वो क्या होते हैं, सारा स्पॉन्सर होता है, उससे उनको पैसा मिलता है। इफ़ डाउनलोडिंग दोज एप्लीकेशन, आपको उनको उसका पैसा मिलता है हर एक डाउनलोड का। सो माय डियर ये स्पॉन्सर्ड होता है। राइट, पहला स्पॉन्सर्ड। दूसरा भाई साहब जिससे पैसे कमा सकते हो वो क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, टूल है पैसे कमाने के लिए, मतलब मेथड है पैसे कमाने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कोई बेचता है तो उसको मैं कमीशन देता हूँ एक सेल का, पर सेल के हिसाब से 30%, 40%, 50%, जैसे वो डिपेंड करता है। तो मैं अकेले नहीं,
इसका यूज बहुत सारी कंपनीज करते हैं, इवन गूगल भी करती है, एप्पल भी करती है, अमेजन करती है, फ्लिपकार्ट करती है, ये सारे करते हैं, राइट। तो माय डियर, इसको क्या बोलते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करके पैसे कमा सकते हो। बट लोग फेल क्यों होते हैं बताया मैंने, लोग रिजल्ट का वेट करते हैं हमेशा, काम नहीं करते हैं। काम क्यों नहीं कर पाते हैं? इसी बहुत बड़ा रीजन है, लोगों के पास अच्छा रिसोर्स नहीं है, उनके पास स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दिस डेज, राइट। नेक्स्ट, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट्स। यू कैन अर्न मनी माय डियर फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स, खुद का डिजिटल प्रोडक्ट्स, मतलब कोई वीडियो कोर्स, कोई ई बुक, आप इनसे पैसे कमा सकते हो। सो माय डियर, ये जो पूरा हिसाब किताब आपको बता दिया कैसे पैसे कमाओगे, उसके बाद आपको प्रूफ के लिए अर्निंग प्रूफ देखना है, आप इंस्पिरेशन चाहते हो, बहुत से बोलते हैं सर हमें अर्निंग प्रूफ दिखाओ, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, तो उसके लिए लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उसका, उस पेज का नीचे चला जाना पूरा, आपको अर्निंग प्रूफ दिख जाएगा, डॉलर्स में लगभग 22 लाख के आसपास है, राइट। और उसके बाद क्या है, ये सब आप अगर इंप्लीमेंट करते हो आप एक अच्छा खासा ब्लॉग बना सकते हो। सो माय डियर, ये था पूरा हिसाब किताब, व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू गेट स्टार्टेड, वेयर पीपल मेक मिस्टेक, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग माय डियर, इन 2016 मैंने अपना जॉब छोड़ा, लगभग मैं 40,000 से मेरा सैलरी था, 38-40,000 सैलरी था मेरा स्टार्टिंग, मतलब वहां पर पढ़ाने का। आई वॉज टीचर, आई एम स्टिल अ टीचर, बट पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम। अब मैं फुल टाइम क्या हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, व्हाट यू कैन, आप दोनों ही बोल सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर रनिंग कोचिंग शूट्स ऑनलाइन, और हम टेस्टेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे बंदे काम भी कर रहे हैं, टॉप रैंकर्स, IITians, राइट। सो वी आर रियली, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट, कि मैं जॉब छोड़ दिया था, और मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता, बिकॉज एट द टाइम दिस हेल्प मी माई डे टू क्विट माई जॉब, बिकॉज इससे मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, ताकि मैं अपना जिंदगी जापन जीवन जापन कर पाऊँ, मतलब जिंदगी जी पाऊँ, राइट। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एन्जॉय करिए लाइफ को, बिकॉज क्या पता कब क्या हो जाए, सो कीप एन्जॉइंग योर लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू माई डियर, अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, मेहनत करना चाहते हो, यू मस्ट स्टार्ट ब्लॉगिंग। कोई क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।